इतनी इमरजेंसी ब्रेक मारी, कुछ तो पंगा हुआ है सीरियसली। देखो आरपीएफ भी नीचे उतर गई, हुआ क्या कुछ पता लगा? ये देखो अब वक्त है इवनिंग स्नैक्स का। हम हैं केबिन में फिलहाल, मेरे साथ एक को पैसेंजर है। आप किधर तक जाने वाले हो? दिल्ली। आप दिल्ली तक जाने वाले हो? चलिए यहाँ पर नाश्ता सर्व किया गया। सुबह मैं वंदे भारत में था तब भी क्या वेदर था, और अब देखिए वो ये दिन की जर्नी होती ना, थोड़ा बहुत मैं आपको रूट जरूर दिखाता। कसी आहे पब्लिक, दोपहर के बज रहे हैं 4, व्लॉग की शुरुआत हो रही है रांची के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से। बट अगर आप वेदर देखोगे आपको पता ही नहीं लगेगा। सोचिए एक घंटे पहले, मुश्किल से आधे घंटे पहले मैं आया हूँ पटना रांची वंदे भारत से, और अब यहाँ से मैं चला राजधानी लेके, देश की राजधानी दिल्ली। ये है ट्रैवल व्लॉगर्स लाइफ, बैक टू बैक जर्नीज, और आपके सामने अब आएगा बैक टू बैक कंटेंट। मैं आया कुछ 2:30 बजे के आसपास, ये वंदे भारत जाएगी, यहाँ से डिपार्चर है इसका 4:15 बजे, मिनी वंदे भारत, इंडिया की 20वीं वंदे भारत, और फिर राजधानी को लगाया जाएगा। राजधानी का डिपार्चर टाइम है आई गेस कुछ 5:15 के आसपास। पूरा व्लॉग देखिएगा, सब डिटेल्स आपके सामने, और आपके लिए वर्चुअल एक और जर्नी, और फाइनली अच्छा वेदर देखने को मिला। शुरू करें ऐसे नहीं, देखो आपके लिए इतनी मेहनत हो रही है, थोड़ी सी स्माइल के साथ और एक लाइक के साथ इस वाले धमाकेदार व्लॉग की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है डोलेश और आप देख रहे हैं 200 जर्नीज। बस ऐसी हवा चलती रहे भाई साहब, पूरे दिन प्लेटफॉर्म पे निकाल सकते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 से। मज़ा आ रहा है ये मानिए। मैं शुरुआत की थी मुंबई से लखनऊ, लखनऊ से पटना, पटना से रांची, अब रांची से चले दिल्ली। ये है सफ़रनामा, अभी तो आप देखिएगा महज शुरुआत। प्लेटफॉर्म नंबर 1 से वंदे भारत आपके सामने डिपार्ट होती हुई, ये आपको बता दूं पटना पहुंचेगी रात को कुछ 10:30 के आसपास। और यहां पर आपके सामने 12453 रांची राजधानी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म पर लगती हुई, अभी देखोगे गाजियाबाद का ये हो गया वेब 7। अभी तो पहले ट्रेन को लगाया जाएगा, हमारा जाना होगा उस डायरेक्शन में, आप देख लीजिएगा दिस इज़ न्यू दिल्ली रांची राजधानी। वन टू फोर फाइव थ्री रांची राजधानी, जिसको ऑपरेट किया जाता है बाय नॉर्दर्न रेलवेज। डिस्टेंस ये कवर करती है अराउंड 1300 किलोमीटर्स, स्टॉप आई गेस 5 या 6, एवरेज ऑपरेटिंग स्पीड जाएगी अराउंड 70 किलोमीटर्स पर आवर। और आपको पता ही है राजधानी में जर्नी करेंगे तो हम जर्नी करेंगे फर्स्ट क्लास में। यस, आपके लिए H1 की राजधानी की एक और जर्नी, पूरा सफ़र देखिएगा रांची से दिल्ली तक। अगर आप ट्रैवल प्लान बना रहे हो, ये वाला व्लॉग आपके लिए फूड रूट कॉस्ट वगैरह सब कुछ इसमें आपको पूरा डिटेल में बताया जाएगा। जय हिंद सर। बस एक और फर्स्ट क्लास की जर्नी, थोड़ा थकान शायद आपको लगे बट कोशिश करेंगे व्लॉग तो खैर ज़रूर बनाएंगे। करीब 5 बजे के आसपास फाइनली राजधानी की राजधानी को प्लेटफॉर्म पर लगा दिया गया है। इस वाले रूट पर आपको अलग अलग राजधानी मिलेंगी, 3 राजधानी है, जो ये वाली राजधानी है ये जाएगी वाया चौपन, और ये ऑपरेट होती है ओनली ऑन संडेज। तो इसलिए अगर आप सोच रहे हो कि भैया मैंने बैक टू बैक जर्नीज में क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज मैं संडे को आया रांची, फिर मेरे को वेट करना पड़ता, इसलिए मैंने तुरंत राजधानी में टिकट बुक करी फर्स्ट क्लास में, और टिकट अवेलेबल थी तो मैंने कहा चलिए निकल पड़ते हैं। अगर आपको याद हो मैंने शायद ड्यूरिंग कोविड राजधानी में जर्नी की थी, एक वो टाइम था और आप देखिए एक आज का टाइम है। अब देखते हैं खाना पीना क्या सर्व होगा, भूख लगी है ज़बरदस्त। अगले 10-15 मिनट में यहाँ से डिपार्ट होने के लिए तैयार, अब वापस यहाँ पर किसी ट्रेन को लगा दिया गया। जर्नी की शुरुआत में हमारे संग एक सब्सक्राइबर मौजूद हैं। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे और आप कहाँ से हैं? अभिजीत नाम है मेरा, मैं रामगढ़ से हूँ, रांची के पास से हूँ मैं। अच्छा, और आप इस राजधानी में फ्रिक्वेंटली ट्रैवल करते हो? मैं फ्रिक्वेंटली ट्रैवल करता हूँ। ये ट्रैवल कर रहे हैं सेकंड एसी में? यस। आपसे जानना चाहेंगे राजधानी की सर्विस कैसी रहती है, क्या रहता है? बहुत अच्छी है, खाना पीना भी बहुत अच्छा है, इनकी सर्विस भी बहुत अच्छी है। हाँ, और मैं तो फ्रिक्वेंटली ट्रैवल करता हूँ इसलिए मुझे पता है। अच्छा, और आपको दादू ऐसा बोलने को मैंने कहा नहीं है आपसे? ये नहीं, एकदम ये तो सही बात है, जो सर्विस मिलती है कि नहीं एकदम। देखो रांची में मैंने राजधानी इस वाली में मैंने ट्रैवल किया था ड्यूरिंग कोविड। यस। तो तब तो खैर समय ही अलग था, बट आज देखेंगे कि भैया कैसे क्या क्या होता है कि नहीं। तो आप अकेले ट्रैवल कर रहे हो फैमिली के संग? अच्छा, मम्मी के संग आप ट्रैवल कर रहे हो, चलो बढ़िया, विशिंग यू अ वेरी हैप्पी जर्नी। और यही है, सब्सक्राइबर से मुलाकात होती रहती है बस भाई, और क्या चाहिए। थैंक यू फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। थैंक यू आपको भी भैया, आप हमारे कंटेंट डालते हैं। बस बस
रिव्यूज डालते हैं ट्रेन की, तभी हम ट्रेवल कर पाते हैं, बिल्कुल पता चलता है। आप देखते रहिए, हम दिखाते रहिए। इस तरफ हो गया राजधानी का सेकंड एसी, अगर आप देखोगे हमारा बिल्कुल फर्स्ट एसी जो है H1 बिल्कुल लास्ट की तरफ। इन केस अगर आपने राजधानी का फर्स्ट क्लास का इंटीरियर नहीं देखा है तो जल्दी से एक छोटा सा मैं आपको टूर और दिखा दूं। ये आपको यहाँ वही जैसे नॉर्मल वॉशरूम्स वगैरह होते हैं, आपको ये वॉशरूम मिलेंगे। अब अंदर लेके चलेंगे, फर्स्ट क्लास की एक कोच की पैसेंजर कैपेसिटी आपको बता दूं, दिस इज 24। अगर आप ये देखोगे तो यहाँ पर कुछ पैसेंजर्स हैं, मेरे को मिला है इसमें ये एक केबिन दिया है और वो दिया है सीट नंबर 3 मेरा लोअर दिया। चलो खैर कोई बात नहीं, रेलवेज ने लोअर दे दिया वही बहुत बड़ी बात है। तो ये हो गया केबिन जिसमें आपको 4 मिलेंगे, और इस तरफ आपको और दिखा दूँ, दिस इज कूपे, तो जिसमें आपको 2 मिलेंगे। अक्सर जो लोग 2 टिकट बुक करते हैं, यहाँ पर कपल अगर बुकिंग होता है तो वो आपको इसमें प्रोवाइड किया जाएगा। बट रेलवेज ने कसम खा ली है कि भाई मेरे को कूपे नहीं देंगे। चलो खैर कोई बात नहीं, हो सकता है एक दिन वो भी आए, पूरा सलून बुक करके चलेंगे। यहाँ देख लीजिए, ये हो गया पूरा, ठीक है, कूपे ये हो गया, केबिन वो हो गया। अगर आप देखोगे आपको 4 केबिन मिलेंगे और 4 कूपे, तो ये हो गया केबिन भी वापस। पैसेंजर्स ऑन बोर्ड है तो डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ये एक छोटा सा टूर आपके लिए। बट देखो फर्स्ट क्लास की यार बात ही अलग है, मैंने कहा ना राजधानी करेंगे तो सिर्फ फर्स्ट क्लास। इस तरफ आप देख लीजिएगा, बस यहाँ फिलहाल और कुछ सब खाने पीने का सब अरेंजमेंट यहाँ होता है। यहाँ पर भी आप वॉशरूम देख सकते हो, कोई कोई राजधानी है जिसमें शावर मिलेगा, आई गेस इस वाली में शावर है कि नहीं। यस, आप देख सकते हो इसमें शावर ही है, तो फर्स्ट क्लास है तो ऑफकोर्स आपको शावर मिलेगा। तो पूरा टूर भी मैंने आपको दिखा दिया। यस, सब ठीक ठाक दादा, ये हमारे केटरिंग स्टाफ, आप ही सर्व करोगे ना सब कुछ, पूरा फर्स्ट क्लास में यही चलने वाले। तो आप देख लीजिए, ये हो गया आपके लिए पूरा फर्स्ट क्लास का टूर। अब आप देखोगे तो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे इन्होंने लगा दी मौर्य एक्सप्रेस। सबसे पहले आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क, हम जा रहे हैं झारखंड से देश की राजधानी दिल्ली, कितने स्टेट्स ट्रेन क्रॉस करने वाली है अगर आपको जवाब पता है ज़रा कमेंट करके अपना जवाब बताइएगा ज़रूर। देखो बातें होती रहनी चाहिए, जो भी फीडबैक है जो भी सजेशन है इंस्टाग्राम है फेसबुक है, या आप नीचे कमेंट भी कर दीजिएगा, और फेसबुक को पेज को ज़रूर फॉलो कीजिए, बिकॉज एक्सक्लूसिव BTS अनसीन वीडियोस अब आपको वहाँ देखने को मिलेंगे। रांची का आपको बता दो जिसे कहा जाता है द सिटी ऑफ वाटरफॉल्स, बिकॉज आप यहाँ पर ना जाने कितने और बड़े वाटरफॉल्स देख सकते हैं। आई गेस हार्डली 5 मिनट्स टू गो, बस यहाँ से डिपार्ट होने के लिए तैयार। सच बता रहा हूँ थकान ज़रूर है, बट बिकॉज ऑफ वेदर इतना अच्छा लग रहा है ब्लॉगिंग करते हुए। उम्मीद है आगे भी बारिश मिलेगी, वंदे भारत में दरवाजे बंद थे तो कुछ दिखाई नहीं पाए, बट राजधानी में दरवाजे खुले हुए हैं, जितना हो सकता है आपको दिखाएंगे। ये हो गया A1 सेकेंड AC कोच। शार्प 5:15 बजे रांची स्टेशन से डिपार्ट होने के लिए तैयार, 12453। आप यहाँ देख लीजिए हमारे ट्रेन मैनेजर साहब ग्रीन सिग्नल देते हुए, सोचिए सुबह मैं चला था पटना से पहुँचे रांची, और रांची से चल दिए देश की राजधानी दिल्ली, ठीक है ना उस्ताद जी, सब ठीक है ना, वेज नॉन वेज सब खिलाओगे ना। अरे यार ये देखो यही है, आप जो बोलोगे ये एक साथ देंगे, एक ही एक साथ, चलो ठीक है, ये यही तो है आपके लिए ढेर सारा एंटरटेनमेंट नहीं, आपके लिए ढेर सारा इन्फोटेनमेंट। अगर आप टीवी पर कास्ट करके देख रहे हो या फिर खाना खाते हुए देख रहे हो, थोड़ा मुस्कुराओ तो सही यार, ऐसा कैसे होगा, कमॉन, आप हैं मेरे साथ, मैं हूँ आपके साथ, हम दोनों हैं #राजधानी एक्सप्रेस के साथ, एंजॉय। यहाँ पर हमारे कैंटीन मैनेजर सर आए हैं, थैंक यू सो मच। और एक बार फिर से मेरे को रोज़ दे दिया गया भैया, आराम से क्या ब्रेक मारिए, रोज़ दे दिया गया, थैंक यू सो मच फॉर दिस वेलकम। राजधानी हो और ऐसा स्वागत ना हो तो क्या मज़ा, भाई क्या हो गया भाई एकदम से इतनी सडन ब्रेक, ये बिल्कुल एमरजेंसी ब्रेक मार दी क्या इसने भाई, इतनी एमरजेंसी ब्रेक मारी, कुछ तो पंगा हुआ है सीरियसली। देखो RPF भी नीचे उतर गई, हुआ क्या कुछ पता लगा, ये देखो देख रहे हो ऐसी इमरजेंसी ब्रेक मारी है, देखो अगर आप देखो ना, अब देखो आगे तो मैं जा नहीं पाऊंगा। अरे ये गेम कौन सा खेल रहे हो, देखो यहाँ देखो यहाँ देखो इनका ना कुछ कोई गेम चल रहा है, हाउस ही चल रहा है कुछ और चल रहा है पता नहीं, बट क्या ब्रेक मारी थी यार, हमारा ट्रेन मैनेजर भी आगे चले गए थे। अब देखो मैं जाऊँगा तो वो ये पंगा होगा यार, सीरियसली यार देखो अभी भी नहीं चला रहे, पूरी RPF नीचे, पता तो लगे हुआ क्या है।
अरे कौन सा गेम खेल रहे हो? क्या भैया खेल क्या रहे हो भैया? क्या खेल रहे हो? हाँ ये है इन, ये देखो अब देखो रेलवे ट्रैक के बाजू में ये लोग गेम खेल रहे थे। ये है हैशटैग इनक्रेडिबल हाउसी, हाउसी है ना, तो वही तो मैं बोल रहा था। ये हो रहा है हैशटैग इनक्रेडिबल इंडिया। पंगा सुलझा क्या? राजधानी की फर्स्ट क्लास की जर्नी चल रही है। देखिए बाहर हल्की हल्की बारिश और क्या नज़ारे आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। और अब वक्त है इवनिंग स्नैक्स का। हम हैं केबिन में, फिलहाल मेरे साथ एक को पैसेंजर है। आप किधर तक जाने वाले हो? दिल्ली। आप दिल्ली तक जाने वाले हो? चलिए यहाँ पर नाश्ता सर्व किया गया, आपको दिखा दूँ। ये सैंडविच हो गया, ये कचौड़ी, मिष्ठान में आपको यहाँ पर मिलेगी सोन पापड़ी, टी कॉफ़ी जो भी आप लेना चाहें, ये कैचअप हो गया, उसके साथ ये कैश्यूज दिए गए हैं, प्लस ये हो गए वाइब्स। एकदम मतलब इतने दिन बाद राजधानी में जर्नी, फर्स्ट क्लास जर्नी करने का मौका मिल रहा है। और खातिरदारी की अभी तो जैसे मैंने आपको बताया खातिरदारी की महज शुरुआत है। अभी तो आप आगे आगे देखिएगा क्या मज़ा आएगा। देखो राजधानी ने अब पकड़ी थोड़ी बहुत रफ्तार फाइनली, बिकॉज देखो LHB कोचेज हैं राजधानी है, मैक्सिमम वही परमिसिबल स्पीड जाएगी इसकी भी अराउंड 130 किलोमीटर पर आवर। कोशिश करेंगे स्पीड भी अगर आपको दिखा पाएं, बट सबसे पहले ज़रूरी है टेस्ट करना। खाना गर्म नहीं हो यही होता है व्लॉगिंग के चक्कर में, खा दिखाने के चक्कर में खा कुछ नहीं पाते और जो खाते हैं वो ठंडा खाते हैं। मैं आपको सच बता रहा हूँ, वंदे भारत एग्जीक्यूटिव क्लास में मज़ा तो है, बट जो राजधानी फर्स्ट क्लास में मज़ा है ना उसकी तुलना ही नहीं। शाम की एकदम गर्मा गर्म कॉफ़ी, कैसा रहा नाश्ता पानी सब ठीक है? कचौड़ी वगैरह मस्त है ना? अरे इधर एंजॉय करो, फर्स्ट क्लास की जर्नी है। हाँ हमारा ऐसा ही चलता रहता है, हम ट्रैवल ब्लॉगर हैं, हमारा एक्साइटमेंट लेवल। मज़ा आ गया सुबह वंदे भारत एग्जीक्यूटिव की और अब कर दी मैंने राजधानी फर्स्ट क्लास। एक दिन में बैक टू बैक दो जर्नी। वंदे भारत का व्लॉग नहीं देखा है देखिएगा जरूर, चैनल पर लाइव है। एकदम मस्त सैंडविच, उम्मीद है आप ये वाला व्लॉग खाना खाते हुए देख रहे हैं। आप भी कह रहे होगे भैया कितना खाओगे? देखो हम रेलवेज के मेहमान हैं, हमारी रेलवेज में जो खातिरदारी होती है वो घर पर भी नहीं होती। जर्नी का पहला स्टॉप, बारिश हो रही है ध्यान से, लोहर दगा एक लोकल लैंग्वेज है मुंडरी, उसमें इसका मतलब होता है रिवर ऑफ टीयर्स यानी कि आंसू की नदी। स्टेशन लोकेटेड है अराउंड 600 मीटर्स अबव द सी लेवल और यहां पर पाई जाती है मोस्ट इम्पॉर्टेंट बॉक्साइट जिससे बनता है एल्यूमिनियम। ज़्यादा हार्डली 2 मिनट्स का स्टॉप है, बट आप देखो कितना सही लग रहा है। अभी आई गेस यहाँ सब कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, बारिश है भैया ज़रा फ़ोन का ध्यान रखेंगे, अंदर ही रहेंगे कुछ नहीं दिख रहा। क्या ज़बरदस्त मौसम है, आपको इस तरफ और दिखाऊं दूसरी साइड, ये देखो यहाँ आपको तब भी थोड़ा बहुत प्लेटफॉर्म दिखेगा, यहाँ लाइट वगैरह जल रही है। आई गेस प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर हमको डाला गया, ये देख लो पूरी तरह से अंधेरा। बट क्या यार वेदर हो तो ऐसा हो जर्नी के लिए, काश थोड़ा दिन में होती ना और मज़ा आता। किलोमीटर्स की जर्नी करने के बाद राजधानी अब पहुंची है डेल्टनगंज, कोड हो गया DOT जिसका नाम चेंज किया गया और रखा गया है मेदिनी नगर, जो लोकेटेड है ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर नॉर्थ कोइल रिवर करके है। स्टेशन लोकेटेड है अराउंड 230 मीटर्स अबव द सी लेवल। कितने पैसेंजर्स? लगभग 30,000 पैसेंजर्स एवरी डे आते हैं। अरे भाई H1 में भाई तो पूरा गाँव ही चढ़ जाएगा क्या? और आई गेस जोन हो गया अब ये ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन। अरे भाई कितने लोग चढ़ेंगे ये फर्स्ट क्लास में? बट सबसे अच्छी बात फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करने का ये है कि भाई साहब आपको बाथरूम क्लीन मिलते हैं, बिकॉज लिमिटेड पैसेंजर हैं, 24 पैसेंजर हैं गिने चुने, वॉशरूम क्लीन मिलते हैं। और आप देखोगे जिसमें मैं ट्रैवल कर रहा हूँ मैन्युफैक्चरिंग ईयर हो गया 2022,
तो कोच एकदम फर्स्ट क्लास कंडीशन में और अंदर साफ सफाई आप देखिए, कोच है बिल्कुल लास्ट की तरफ, तो आप देखो आपको आगे का तो खैर ज़्यादा नहीं दिखा पाएंगे, बट जर्नी में मज़ा आ रहा। और क्या रूट है, वही है नाइट में आपको कितना ही दिखाऊं, नॉन स्टॉप राजधानी दौड़ रही है। चार प्लेटफॉर्म्स आपको मिलेंगे और लगभग कितने पैसेंजर, आई गेस अराउंड 30,000 पैसेंजर्स एवरी डे आते हैं। हमारे ट्रेन मैनेजर देख सकते हो, मैं खुद सिग्नल का वेट कर रहा हूँ, सिग्नल हो जाए तो आगे की तरफ जाएंगे। बट सच में यार क्या जर्नी है, मज़ा आ रहा। सबसे अच्छी बात है वेदर, सुबह मैं वंदे भारत में था तब भी क्या वेदर था, और अब देखिए वो ये दिन की जर्नी होती ना, थोड़ा बहुत मैं आपको रूट ज़रूर दिखाता। और जहाँ तक है आई गेस वी आर राइट नाउ ऑन सिंगल लाइन। हाँ आप देखिए मौसम क्या है यहाँ का। चलिए भाई साहब सिर्फ हार्डली 2 मिनट का स्टॉप है, बट अब तक ट्रेन मैनेजर जब तक ये सिग्नल देंगे नहीं ट्रेन चलेगी नहीं, तो अपने को टेंशन नहीं। मैंने कहा थोड़ी बहुत वॉक तो कर ले यार, बैठे बैठे बोर हो गए अंदर। तो चलिए सफ़रनामा चल ही रहा है, बाहर के लिमिटेड नज़ारे, बट नज़ारे एक्चुअली बाहर नहीं है नज़ारे कंटेंट अंदर है कि नहीं। वक्त हो चले करीब 9:15 और अब वक्त है फर्स्ट क्लास के, फर्स्ट क्लास डिनर का। आप प्रेजेंटेशन देखिए, और जो आप ये टेबल देख रहे हो ध्यान रखिए ये आपको फर्स्ट क्लास में मिलती है, सेकेंड ए सी थर्ड ए सी में ये आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, कटलरी अलग दी गई है। ये हमारा जो फर्स्ट ए सी का फूड है पूरा पेंट्री में बनाया गया है, सेकेंड ए सी थर्ड ए सी का डिनर बोर्ड किया गया था रांची से। सबसे पहले आपको फूड नामा दिखा दूँ, आपने देख ही लिया वैसे, ये पराठे हो गए, ये मिक्स वेज की सब्ज़ी, ये पनीर की सब्ज़ी ली है मैंने, ये दाल हो गई, प्लस यहाँ पर ये दही का ऑप्शन है, एंड दिस इज़ अनलिमिटेड। इनकेस अगर आप कुछ और लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं, राइस भी है थोड़ी देर में, बस भैया वो राइस भी सर्व करने वाले हैं। ये वेज में आपको बता दिया, नॉन वेज में यहाँ पर आज मैं सोच रहा था बाई चांस अगर एग करी हो तो एग करी लेते, बट कोई बात नहीं, यहाँ पर नॉन वेज में आज चिकन है। और थोड़ी देर पहले सूप भी सर्व किया गया था, सूप हमने टेस्ट नहीं किया, सूप टोमेटो था, कौन सा था, टोमेटो सूप था ना, सूप हमने लिया नहीं, तो हमने कहा चलो डायरेक्टली अपन डिनर ही करेंगे भैया, हम सीधा मेन कोर्स करते हैं बढ़िया रही है। इतने दिन बाद फाइनली फर्स्ट क्लास का भोजन, थैंक यू रेलवेज, थैंक यू। आप सोच रहे होंगे कि भैया इतनी महंगी टिकट कौन लेगा, फर्स्ट क्लास में कौन ट्रैवल करेगा। सोचिए पूरा का पूरा फर्स्ट एसी फुल जा रहा है, सुबह मैं एग्जीक्यूटिव क्लास में था, पूरी एग्जीक्यूटिव क्लास फुल। यही बात है भैया, थोड़ी सी अच्छी सर्विस दीजिए तो लोग ज़रूर टिकट लेंगे। सोचिए मैं टीडी सर से बात कर रहा था, बाय एनी चांस अगर कूपे मिल जाए, पर टीडी सर कह रहे भैया कोई चांस नहीं है। पनीर की सब्ज़ी मज़ेदार, ये ज़रूर है इस वाली ट्रेन में, आपको खाना पीना सब एकदम फर्स्ट क्लास। और मतलब यही आपसे कहूँगा, अगर आपका थोड़ा बजट अच्छा है और अगर आपने फर्स्ट क्लास में ट्रैवल नहीं किया है, ये ज़रूर राजधानी फर्स्ट क्लास कीजिए, आपको मज़ा ही अलग आ जाएगा। खाना पीना भैया सब ठीक है, टेस्ट वगैरह मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये लोकल, आप लोकली झारखंड से ही हो ना, ये लोकली यहीं से हैं, बस खाते रहिए। पराठे पराठे बढ़िया, मतलब बड़े स्मूथ पराठे मिले हैं आज तो। और पनीर की सब्ज़ी आपको बताया ना, पनीर पनीर इज़ माय फेवरेट, पनीर मिल जाए और क्या चाहिए। झारखंड का एक और रेलवे स्टेशन, दिस इज़ गढ़वा रोड। 2011 के हिसाब से, सेंसस के हिसाब से यहाँ की पॉपुलेशन थी कुछ 50,000। और यहाँ पर टूरिस्ट अट्रैक्शन बता दूँ, एक है काली टेम्पल, स्टेशन लोकेटेड है कुछ अराउंड 200 मीटर्स अबव द सी लेवल। सबसे इम्पॉर्टेंट हमारी ट्रेन के राजधानी के, अब यहाँ के यहाँ पर लोको पायलट प्लस ट्रेन मैनेजर को चेंज किया जाएगा। डिनर किया लाजवाब, अब दी गई है बटर स्कॉच आइसक्रीम। भैया वॉक कर लो, ये सच में मतलब दिल खुश हो जाता है। अभी तो ये महज शुरुआत है, अभी तो एक और राजधानी की फर्स्ट क्लास की जर्नी आपके सामने बहुत जल्द। अगर आप गेस कर सकते हो कौन सी, ज़रा कमेंट करके बताइएगा। और अब तक जितनी राजधानी की हैं, वंदे भारत की हैं, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, देखिए जितने व्लॉग्स देखना चाहें और घूमिए द हैशटैग ट्रैवल रियल इंडिया। और सबसे अच्छी बात है कोच पीछे की तरफ रहता है ना, डिस्टर्बेंस नहीं होता, बिल्कुल सुकून रहता है। वॉक कर लो, मौज ले लो, अभी तो टाइम लगेगा, वो ट्रेन मैनेजर चेंज होंगे, एलपी चेंज होंगे, तो टाइम लगने वाला है।
शुरुआत सफ़र की शुरुआत की थी हम झारखंड से और अब हम हैं उत्तर प्रदेश। स्टेशन हो गया रेणुकूट, कोड हो गया RNQ। सबसे पहले आपको कॉस्टिंग बता दूं, थर्ड एसी का है 2800, सेकंड एसी का 3800 और फर्स्ट एसी का है 4800, जो मैंने पे किया है फॉर अराउंड 1300 किलोमीटर्स। और यहाँ पर आपको मिलेंगी रांची से तीन राजधानी, एक जाती है वाया चौपन जिसमें मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, दूसरी जाएगी वाया जपला और तीसरी जाती है वाया बोकारो स्टील सिटी। आई गेस तीनों राजधानी में मतलब कंपैरिजन अगर आप देखोगे स्पीड के मामले में ये वाली सबसे स्लो है। रात के बज रहे हैं 11:10 और यहाँ पर ब्लॉगिंग चल रही है। आप ये स्टेशन देखो भाई, सच बताता हूँ ये पागलपन ही अलग है, ये लाइफ ही अलग है। अब आपको बता दूँ केबिन में और पैसेंजर आ गए, अब मैं सोने वाला हूँ, किसी की प्रिवेसी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। सुबह 5 बजे का मैं चला हुआ हूँ, बैक टू बैक टू जर्नीज। लोग कहते हैं भैया इतना पैसा कमाते हो, बट पीछे की दोस्त पीछे की मेहनत देखो, ठीक है ना। अब आपसे देख बाकी स्टेशन सब मैं स्किप करूँगा, आगे देखते हैं आपसे कल सुबह कहाँ मुलाकात होती है। वेरी गुड मॉर्निंग गाइज, दिस इज़ डे टू इन रांची राजधानी और दिन की शुरुआत आपको बताइए एक ज़बरदस्त चाय के साथ। और आपको बता दूँ ये वाली चाय वो डिप वाली नहीं है, ये बिल्कुल पेंट्री कार में बिकॉज हम हैं फर्स्ट क्लास में, फ्रेश बनाई गई है बिल्कुल। दादा से मैंने कहा अदरक वदरक डाल के मस्त चाय बनाइए। अब आपको बता दूँ प्रयागराज के बाद हमने क्रॉस किया कानपुर सेंट्रल सुबह करीब 6:30, ऑफिशियल टाइम है 5:40 का, हम पहुँचे थे 6:30 बजे। कानपुर से न्यू दिल्ली का इसका नॉन स्टॉप रन है लगभग 5 घंटे का, डिस्टेंस कितना कवर करेंगे 450 किलोमीटर्स। और थोड़ी देर पहले ही हमने क्रॉस किया है टुंडला जंक्शन। और दिन की शुरुआत जब चाय के साथ होती है और राजधानी का फर्स्ट क्लास का सफ़र, आपको और क्या चाहिए, बाहर के बस नज़ारे एंजॉय करते जाइए। ट्रेन जाएगी अब नॉन स्टॉप, अब यहाँ पर ब्रेकफास्ट सर्व कर दिया गया है, तो सबसे पहले आपके लिए फूड नामा दिखा दें फिर आपसे और बातचीत करेंगे। हमारे संग कुछ और पैसेंजर आए हैं तो पूरा केबिन फुल, पूरा फर्स्ट क्लास फुल, सोचिए ना ही कूपे खाली है ना ही केबिन खाली है। चाय मस्त है आंटी, अदरक वाली चाय पी की नहीं पी आपने, अच्छी है ना। अरे आंटी कह रही थी वंदे भारत की चाय आंटी को सबसे अच्छी लगती है, मैंने कहा पेंट्री कार के पीछे हमारे संग हमारी आंटी जी पैसेंजर यहाँ मौजूद हैं। दिन की शुरुआत मज़ेदार, यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट क्लास हमारी जर्नी चल रही है। अब ना जाने कितने स्टेशंस क्रॉस होंगे और कौन कौन सी ट्रेन्स क्रॉस करेंगी, बट सबसे पहले आपके लिए बनता है पूरा फूड नामा। ब्रेकफास्ट आपको बता दूं यहाँ पर कॉर्नफ्लेक्स दिया गया है, बटर हो गया, बनाना कॉर्नफ्लेक्स के लिए। ये देखो ये सर्विस आपको सिर्फ फर्स्ट क्लास में मिलेगी, सेकेंड एसी का थर्ड एसी का जो ब्रेकफास्ट है वो बोर्ड किया गया है कानपुर सेंट्रल से। तो यहाँ पर आपको दिखा दूँ मैंने नॉन वेज में, यहाँ पर ऑमलेट है तो मैंने फ़िलहाल ऑमलेट लिया आपको दिखाने के लिए। वेज में आपको यहाँ पर कटलेट मिलेगा, ये ब्रेड हो गए, केचप हो गया, जैम, टी, कॉफ़ी जो भी आप लेना चाहें और टेस्ट के हिसाब से, बट ये ज़रूर देखो ये क्वालिटी जो आपको मिलता है टेबल पर रख के ये आपको फर्स्ट क्लास में मिलेगा। तो बाई एनी चांस अगर आपने अब तक राजधानी फर्स्ट क्लास एक्सप्लोर नहीं की है, मैं तो आपको हाईली सजेस्ट करूँगा कि आप फर्स्ट क्लास ज़रूर ट्राई कीजिएगा, देख लीजिएगा। आंटी जी सब ठीक है ना, हमारे संग ऊपर भैया भी हैं देख लीजिएगा, ये हैं यादें। प्रीमियम सर्विसेज एंजॉय कीजिए, खाना पीना एंजॉय कीजिए, यात्रा एंजॉय कीजिए, और क्या चाहिए, एकदम फ्रेश और गर्मा गर्म ऑमलेट। और ऑमलेट के साथ इन्होंने ग्रीन वेजिटेबल्स दिए हैं,
कैरेट है, पीस है, ये चीज़ बहुत बढ़िया और खाइए, दिस इज अनलिमिटेड। हाँ, अभी कटलेट के साथ नहीं, कटलेट भी अच्छा है, अच्छा एकदम फ्रेश होगा, आप देखिएगा। ये देखिए आंटी जी, यस आंटी जी, कटलेट टेस्ट जरूर कीजिए, एकदम मस्त होगा। दूसरी साइड से वंदे भारत ऑलरेडी क्रॉस कर चुकी है, शताब्दी भी क्रॉस करेगी, ट्रेन स्पीड ज़्यादा ही है, कोशिश करेंगे अगर आपको वो भी दिखा पाएँ, बट आपको बता दूँ अब मेरी आपसे सीधी मुलाकात होगी हमारी डेस्टिनेशन, बिकॉज ये रुकेगी नहीं, ये जाएगी नॉन स्टॉप, और आधे घंटे लेट चल रहे हैं तो राजधानी रुकने वाली नहीं है। बट दिन की शुरुआत हो तो ऐसी हो, अभी तो देखिएगा बैक टू बैक राजधानी की फर्स्ट क्लास जर्नीज आपके सामने आती जाएंगी। शुरुआत की थी कल शाम को 5:15, अब बज रहे हैं 12, ऑफिशियल टाइम था राजधानी का 11 बजे का। खैर कोई बात नहीं, एक और लगभग 1300 किलोमीटर्स की जर्नी होती है ख़त्म। सबसे पहले चाहिए शावर, ठीक है, दिस इज़ डोलेश साइनिंग ऑफ फ्रॉम 200 जर्नीज। आप ये देखोगे, ये हो गई डिब्रूगढ़ टाउन राजधानी, आई गेस शाम को डिपार्चर रहेगा, ठीक है ना। खाते रहिए, पीते रहिए और मेरे संग वर्चुअली ट्रैवल करते रहिए। 12453, एक और सफ़र होता है ख़त्म। राजधानी की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जितने व्लॉग्स देखना चाहें देखिए। अब यहाँ से मैं कहाँ जा रहा हूँ, लेट्स सी। टाटा, टेक केयर। देश की राजधानी दिल्ली में आपका स्वागत है।